बहुत बुरा हुआ रघु, बहुत बुरा हुआ। पीटर का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। पुलिस स्टेशन पर हमला और पीटर के खून ने यह साबित कर दिया कि यह कोई मामूली गिरोह का काम नहीं है। बहुत बड़ा हाथ था इसके पीछे। जो भी हो, बहुत ताकतवर है वो। बस एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए रघु। बस ज्यादा टेंशन मत ले। कल सुबह बंटी के मुंडन के लिए मेले में जाना है ना, जा जाकर सो जा। हेलो, जाली नोटों का कारोबार करने वालों की ताकत का अंदाजा मिल गया ना एसपी साहब? देखो तुम जो भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ सर। कल सुबह आप मेले में अपने बच्चे के मुंडन के लिए जा रहे हो ना? हाँ हाँ। मैं आपको वहीं मिलकर बता दूंगा कि जाली नोटों का कारोबार कौन करता है। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? उसी आदमी का जिसने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी। कहता है कल सुबह मेले में मिलकर मुझे उस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। अरे 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 अरे, यही पर बोला। मैं इधर हूँ बाबा। हाँ सुमन बेटे, मुन्ने को ले लो। चल ना, ये लो। आओ इधर। बोला तू इन लोगों के साथ रहे, मैं अभी आया। ठीक है ठीक है, तू अपने सारे काम निपटा और जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना, मैं यही। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं मारना, मैं इस मेले में खोना नहीं चाहता। अब तू जा। हाँ जा। लेकिन तू जा कह रहा बाबा? को जिसकी तलाश है मैं वही हूं। नकली नोट बनाने वाले गिरोह के बारे में तुम क्या जानते हो? जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ एक नकली नोटों का व्यापारी नहीं बल्कि एक कातिल भी है। उस आदमी का नाम क्या है? रघु भैया, मैं अपने मुन्ने का मुंडन आप ही के गोद में कराऊंगी। हाँ, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या। चलो बंटी, अपने मामा की गोद में बैठ जाओ। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। मेरा रघु ऐसे नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है तू। मेरा यकीन कीजिए सर, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए। यही फोटोग्राफ्स की वजह से उसने मुझे मार डालने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। और अब सर, अब उसके खिलाफ एक एक जुर्म की गवाही देने को तैयार हूं मैं। आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, बैठ जाइए माँ जी, मैं देखता हूँ। आइए बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। बंदी को संभालो।
मैं FIR तैयार करता हूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन सर, अगर उसने मरने से पहले मेरे खिलाफ सारा बयान दे भी दिया तो तूने बयान के कागजात राज को क्यों ले जाने दिए? क्यों? इससे पहले कि वो कागजात लेकर मेरे खिलाफ कोई कदम आगे बढ़ाए? तो यह मेरे दोस्त रघु का असली चेहरा, जिस पर न जाने कितने लोगों के खून के छींटे नजर आ रहे हैं। क्या तो वही रघु है? वही सीधा सादा शरीफ रघु जिसको लोगों के तानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था? ऐसा क्यों किया तूने रघु? बोला ऐसा क्यों किया? राज, आखिर कब तक मैं भूख प्यास और गरीबी का मुकाबला करता? कब तक लोगों के ताने सुनता? तू तो जानता है इस समाज ने मुझे बहुत गिरी हुई नजरों से देखा। मेरे बाप की अर्थी उठने नहीं दी लोगों ने। उनकी चिता की लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। बोल, मैं जाली नोटों का कारोबार नहीं करता तो क्या करता? तू मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कर राज। रघु, अगर हर गरीब तेरे रास्ते पर चले तो क्या होगा इस देश का? आखिर क्या चाहिए था तुझे? तो ठीक, कपड़ा, छत, ऐश और आराम। रघु, जो कुछ भी मेरा था वो सब कुछ तो तेरा था रघु। बात ही बहन है, फिर तो इस दलदल में क्यों कूद पड़ा? रघु, देख मेरे भाई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। तू अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता है। मेरी बात मान, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। रघु, रघु, आज अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो मैं उसके हाथों में हथकड़ी डालकर जानवरों की तरह घसीटता हुआ उसे पुलिस स्टेशन ले जाता। और रघु, मेरी बात मान ले रघु। नहीं राज, नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुझसे विनती करता हूं रघु, इज्जत और शराफत से कह रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अपने आप को कानून के हवाले कर दूं मैं? अरे, तेरे कानून ने खुद अपने आप को मेरे हवाले कर रखा है। ये ऐसे नोट फेंकता हूं मैं तेरे पुलिस के मुंह पर। कौड़ियों के दाम बिकता है तेरा कानून। जो 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 और जो बिकता नहीं वो मेरे सामने टिकता नहीं। नहीं, 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 कोई कुछ नहीं करेगा। एक जान से मार डालूगा साला। जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ। तूने मुझ पर इसीलिए हाथ उठाया ना कि मैं तेरे और तेरी मां के एहसान के नीचे दबा हुआ हूं? हां, चल आ, आ मेरे साथ चल। मुझ पर तुम्हारा कर्ज है ना, सब चुका दूंगा आज। ये
है ना वो मंगलसूत्र, यही है ना जिसको बेचकर तेरी मां ने मेरा कर्जा चुकाया था। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान, ये लो उठाओ। हाँ 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 हाँ, और कुछ रुपये भी दिए थे ना तुम लोगों ने, हाँ फेरो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लो 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 लो, उठाओ। मेरी खातिर अपने पुरखों की इज्जत बेचकर मेरा कर्ज चुका रही। पुरखों ने जो इज्जत कमानी थी वो तो कमा के चले गए, लेकिन आज आज तेरी इज्जत सबसे प्यारी है बेटा। तू बहुत दूर निकल चुका है रघु, इतनी दूर जहां मेरी हमदर्दी तुझ तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरा फर्ज तुझ तक जरूर पहुंच सकता है। चल मेरे साथ। वारंट लाया है क्या? हाँ, अब ये कलाई कल के रघु की नहीं आज के राघवन की कलाई है। इस पर राखी बांधने के लिए तेरी बीवी को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है। आइंदा मेरे घर में बिना वारंट लिए मत घुसना मिस्टर एएसपी राज। आउट। आइंदा जब भी आऊंगा अरेस्ट वारंट लेकर आऊंगा राघवन, फिर देखता हूं कुर्सी का कौन सा दलाल बचाता है तुझे, देख लूंगा। तुम्हें अभी इसी वक्त शहर जाना पड़ेगा। क्यों? ये उन सबूतों की ज़ेरॉक्स फाइल है, इन्हें कमिश्नर साहब को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अच्छा। समझे? चाहो उन्हें दे आओ। चाहो ठीक है, उन्हीं के हाथ में देना भोला। हेलो राज, अब तुम जाकर मैजिस्ट्रेट से राघवन का अरेस्ट वारंट हासिल कर सकते हो। थैंक यू सर। राज, शहर की जानी मानी हस्ती और एक जिगरी दोस्त के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तुम। बेस्ट ऑफ लक, मुझे तुम पर गर्व है।